सबके लिए गौरव और गर्व का विषय है कि इस देश के सर्वोच्च प्रधान महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के हाथों में इस प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, आदरणीय महापौर एजाज ढेबर जी और सेक्रेटरी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष आदरणीय नागभूषण राव जी सब सम्मानित किए गए। ये सम्मान रायपुर शहर की 14 लाख जनता का सम्मान है, यहाँ के पत्रकारों का सम्मान है। न केवल महापौर जी ने वहाँ जाकर अपने उद्बोधन में इस बात को कहा कि रायपुर शहर की जनता ने जिन योजनाओं को हाथों हाथ लिया, उन योजनाओं में सॉलिड वेस्ट के साथ साथ उसका मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है इस देश में। मैं समझता हूँ कि 6-7 प्रमुख अगर शहर होंगे जहाँ सॉलिड वेस्ट का काम तो शुरू हुआ, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो अंतिम प्रक्रिया तक के निष्पादन है, उस काम में रायपुर शहर ने अपनी प्रतिबद्धता हासिल की है। माननीय महापौर एजाज ढेबर जी के कार्यकाल में, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आदरणीय शिव डहरिया जी के नेतृत्व में हमने न केवल सकरी ग्राउंड को, सकरी में वेस्ट मैनेजमेंट को RDF बना करके, मैन्योर बना करके पूरे 100% रिसाइकिल रीयूज तक के हम पूरे अभियान को हमने सफलीभूत किया। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा रायपुर देश के सर्वाधिक स्वच्छता के रैंकिंग के टॉप 10 में 6वां अंक हासिल किए। अभी हमने विभाग श्री कुमार मेनन जी की बात को सुना, सभापति जी की बात को हमने सुना, लेकिन इस अंक के साथ साथ हम कहीं ना कहीं अपने काम में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। जैसे रायपुर को अगर अच्छे अंक लाने हैं तो हमें ज़रूरत है कि गीला कचरा, सूखा कचरा, जिसको नागरिक जो है जब तक अलग करके नहीं देगा, तब तक रायपुर जो है टॉप 10 में पहला स्थान पाने में पिछड़ता है। हमारे जो अंक हमको मिला है इसमें सबसे अधिक यदि भागीदारी है तो जनता की। देखिए, रायपुर की जो रैंकिंग आई है उसको लेकर मैं रायपुर की सभी जागरूक जनता को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे 70 वार्ड के पार्षदगण को, हमारे अधिकारीगण को, हमारे कर्मचारीगण को, तत्कालिक हमारे जो अभी जिलाधीश हैं जो सौरभ कुमार जी और हमारे आयुक्त महोदय आदरणीय मलिक जी और पूरे कर्मचारी, ये सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें पुरस्कार जो मिला है, यह सिद्ध करता है कि हमने रायपुर से कचरे को हरा दिया और रायपुर की जनता जो हमारी है वह जीत गई। हमें 4 पुरस्कार मिले हैं, फास्टेस्ट मूवीज कैपिटल, GFC गार्बेज फ्री सिटी, उसमें हमें 3 स्टार मिला, सफाई मित्र सुरक्षा में हमें 4th रैंक मिला, और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश को सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर अवार्ड मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला है, 67 अवार्ड वहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और माननीय हमारे शिव कुमार ढहरिया जी, मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि अगर 2 रुपये किलो में अगर गोबर नहीं बिकता, गोठान अगर चालू नहीं होता, गोबर से अगर हम लोग खाद कंपोस्ट नहीं बनाते, गोबर से हम दिए नहीं बनाते, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी रैंकिंग है इसमें सुधार हो पाता। ये उन्हीं की सोच का परिणाम है जो हमें यह अवार्ड मिला है। जब मैं मेयर्स लोगों की मीटिंग में जाता हूँ, जब मैं महापौरों की मीटिंग में जाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी आती है तो गाय को गोबर को लेकर के, उसको कैसे उठाए, कैसे उसको इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको उठा के रोड को साफ की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देता हूँ कि जब गोठान चालू होने से और जब से 2 रुपये में यहाँ पर गोबर बिक रहा है, तब से आप देख लो
कि शहर पूरे तरीके से एक जगह भी एक गोबर का टुकड़ा शहर में नहीं दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो हमें दो पुरस्कार और मिल चुके हैं, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की गणना में हम लोग को सबसे रहने लायक शहरों में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, और सुशासन में हमें छत्तीसगढ़ में दूसरा नंबर मिल चुका है। मतलब 2021 और 22 की बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पुरस्कार हम इसी उसमें जीते हैं। हमने 4320 शहरों में 6वां स्थान यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। 4320 शहर है रायपुर पूरे देश में जिसमें हमें 6वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो हमें पुरस्कार जो मिले हैं उसमें फास्टेस्ट मूवर कैपिटल राजधानी, उसमें हमें पहला स्थान मिला है। GFC गार्बेज फ्री सिटी, ये स्टार मिलता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार। हमने अभी 5 स्टार की मांग की थी, हमें 3 स्टार मिला। इसके पहले रायपुर को एक भी स्टार नहीं मिला था, 0 पे थे। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमें स्टार मिले, मगर इस बार हमें 3 स्टार मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, मतलब सफाई कर्मचारियों की, चाहे हम उनके दास्ताने की बात करें या फिर उनकी सुरक्षा की बात करें, उसमें देश में पूरे भारत में हमें 4वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर पूरी हम देश की बात करेंगे तो 70वें रैंक पे, जो हमारा पहले 67वां रैंक था, उससे हम 70वें रैंक पर हम लोग आए हैं।